हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आरबीसी क्लास 9 का सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर के बारे में बात करते हैं जिसमें नंबर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसका नाम है फ्रेंड्स। हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। इसमें कुछ संख्याएं मैंने यहाँ पे लिखी है और एक दशमलव प्रसार जो इसका एक अच्छा टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। अब यहाँ पे कुछ नंबर के टाइप दिए हुए, संख्या के प्रकार दिए हुए। सबसे पहले नाम होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब होल नंबर होता क्या है? होल नंबर का मतलब होता है जो जीरो से शुरू होता है और अनंत तक चलता है, जो स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एक से शुरू होता है और इनफिनिटी तक चलता है, उसको कहते हैं होल नंबर। इसको हम डब्ल्यू से लिखते हैं, इसको कहते हैं होल नंबर। अब बात आती है नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या का मतलब होता है जो एक से शुरू होती है। प्राकृत संख्या एच लिख देता हूँ मैं, जो एक से शुरू होती है, इसको एन से लिखता है, एक दो तीन चार, और जो अनंत तक चलती रहती है, उनको प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इंटीरियर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि इसको जेड से लिखते हैं। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है जो जीरो की संख्या रेखा जो होती है उसके दोनों तरफ चले, यानी कि जो माइनस से स्टार्ट हो, माइनस एक, माइनस दो, जीरो, एक, दो। चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसको हम है दशमलव प्रसार, इसका नाम। अब ये देखो दशमलव प्रसार दो प्रकार के हैं, ये एक शांत दशमलव और एक आवर्ती और नसानी का शांत दशमलव। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का आपको मैं सिंपली मतलब बताऊं तो हम किसी संख्या में जब किसी संख्या में डिवाइड करते हैं, जैसे 1 में मैंने 4 का डिवाइड किया तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25। ये इसका एक यूनिक आंसर है, इसका यूनिक आंसर होगा जो कि एक निश्चित संख्या तक ही चलेगा। जैसे मैंने 26 में 2 का डिवाइड किया तो ये इसका एक आंसर होगा, इसके आगे इसका कोई आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार हम यहाँ ले लेते हैं, अब यहाँ पे मैं ये बताता हूँ, इसको कहते हैं अगर एक अशांत, जो एक उसका यूनिक आंसर होता है वो चलता है, एक फिक्स आंसर होता है वो होता है शांत दशमलव। उसमें एक दशमलव प्रसार के आगे कोई नंबर नहीं होता है। यहाँ आगे देख लो 0.0 से चलता रहेगा, इसके आगे कोई नंबर नहीं होगा। इसमें भी दशमलव प्रसार के आगे, इन दो दशमलव अंकों के आगे कोई भी नंबर नहीं होगा। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जैसे मैंने 8 में 9 का डिवाइड किया तो इसका आंसर होगा 0.8888, ऐसे चलता है 0.88 चलता रहेगा। इस प्रकार आगे से आगे चलता रहेगा, ये खत्म ही नहीं होगा, इनफिनिटी तक चलेगा। इसको हम लिखते हैं ऐसे 0.8 के ऊपर एक बार लगाते हैं। अब हम बात करते हैं घातांक नियम के बारे में। घातांक नियम होता क्या है? पहले मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ परिमेयकरण। घातांक नियम को बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब होता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि जब हर में कोई अपरिमेय संख्या हो, हर में अपरिमेय संख्या होती है तो उसको गणित में एक सिंपल उसका सरलीकरण नहीं माना जाता, उसको पूरा आंसर नहीं माना जाता। तो उसके लिए हर में से हम अपरिमेय संख्या को हटाने के लिए उसका परिमेय करना होता है। वो कैसे करता है पता रहता हूँ आपको। जैसे हमको दिया हुआ है √1/√2, इस प्रकार दिया हुआ है। अब हमको इसके हर में हमको दिख रहा है अपरिमेय संख्या जो √2 है। अब मुझे इसका परिमेयकरण करना है तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लिया √2। तो जब √2 आता है तो इसको हमें हर में जो संख्या होती है उसको एक बार ऊपर गुणा करना होता है, एक बार नीचे गुणा करना होता है। अब जब आपको पता चलेगा कि ये √2 है, मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे कि √2 में जब दो संख्या आपस में गुणा, इसका मतलब क्या √2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऊपर जब इसका मल्टीप्लाई से होगा तो हो जाएगा √2/2। ये हो गया इसका आंसर। अब इसको वापस अगर सॉल्व करें तो यही मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा वो आपको बता देता हूँ। मैंने लिखा √2, अब हम 2 को √2/√2 लिख सकते हैं। 2 को √2/√2 लिख दिया, अब ये हो गया √2/√2 √2। वापस √2 से √2 लिख दिया, ये हो गया √2। ये
आंसर को मिल गया, ये हमारा लास्ट आंसर होता है, ये हमें चेक करने में से क्या ये सही है या नहीं। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड टाइप हमको एक कैसे दिखता है, जैसे ये मिल गया 1/2 - √3। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो हर है, ये हर है, इस हर का चिन्ह चेंज कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज कर दिया, एक बार ऊपर और एक बार नीचे गुणा करना होता है। तो मैं आपको करके बता देता हूँ, ये है 1/2 - √3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 + √3 + 2 + √3 हो जाएगा। अब देखो ये वही फॉर्म बन गई √2, मतलब इस प्रकार की फॉर्म है, बात नहीं है, तो x - y और x + y, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मैंने आपको बताया यहाँ पे, जब भी √ के ऊपर स्क्वायर आता है तो √ हट जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 + √3 / 4 - 3, इसका हो जाएगा 2 + √3 / 1, एंड इसका आंसर हो जाएगा 2 + √3, ये हो जाएगा इसका लास्ट आंसर। अब हम बात करते हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक के बारे में, घातांक नियम। घातांक नियम होते क्या असल में, कि घात होती है उनको अगर हम घात को लंबे तरीके से सॉल्व ना करके उसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए पहले मैं घातांक नियम आपको समझा देता हूँ। अगर आधार समान होती है तो उनको जो भी घातें होती है वो जुड़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 3³ + 3³ × 3² यहाँ पे दोनों के बेस सेम है, आधार सेम है, तो इस प्रकार हो जाएगा 3 + 2, और इसका आंसर हो जाएगा 3/5। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करें या 3 / 5 को सॉल्व करें आंसर वही आएगा। अब हम अगला बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये 3³ है और नीचे 3² है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमेशा ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटे ही रहती है, m - n, तो यहाँ हो जाएगा 3/3 - 2, ये हो जाएगा इसका आंसर 3। अब हम बात करते हैं घात पे, घात हमेशा गुणा होती है, कोई भी घात जैसे मैंने ले लिया 3, 5 के ऊपर स्क्वायर है, उसके ऊपर मैंने 4 घात लगा दी, तो इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/8 हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट फोर्थ नियम की। फोर्थ नियम ये कहता है कि कोई भी दो अलग अलग संख्या, जैसे मान लेते हैं 7 और 8 है, इनके ऊपर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 7 × 8² 56² या हम इन दोनों को सॉल्व करें फिर उनका मल्टीप्लाई करें या 56² लगाना है, या मैंने नोट पॉइंट लगाया है, नोट पॉइंट थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये नोट पॉइंट लगाया है कि 1/(a)m है, तो उसका मतलब होता है a·m, यानी घात जब भी ऊपर आती है तो माइनस में बदल जाती है, इसलिए इनवर्स कहते हैं इसको। जैसे इसको इनवर्स करने से मैंने लिखा 1/5 को मैं लिख दूंगा 1·5, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर घात हमेशा एक होती है, ये उलट जाता है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर का एक अच्छा पॉइंट है, प्रूफ दैट 1 / 0 = 1। आज तक हमने सुना है कोई भी संख्या पे जब भी पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, वो क्यों होती है, उसका कारण मैं आपको आज बताऊंगा। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 2³/2³, इस प्रकार लिखते हैं 2³/2³, अगर हम सिंपल इसको देखें तो ये होता है 8/8 जो कि 1 होता है, लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि इसका मान 0 होगा, इक्वल में 1 आएगा, कैसे आएगा इधर देखो, इसका मान क्या होता है 1 होता है, लिख दिया मैंने यहाँ पे वहां करके बताया आपको, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ से क्या करते हैं, जब अभी मैंने आपको बताया कि नीचे वाली संख्या जो ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है तो उसकी घात का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ऊपर हो जाएगा 2³ × 2 - q = 1, इक्वल हम 1 लेके चल रहे हैं। अब हमने एक नियम बताया कि आधार समान होने पर घातें हमेशा जुड़ती है, तो यहाँ पे आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएगी, 3 + −3 = 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 - 3 = 1, अगर हम इसको लिखें तो 3
2 पावर 0 = 1। ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि कोई भी संख्या यहाँ 2 नहीं, जरूरी है 2 ले सकते हैं, 5, 7, 8 कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर लेंगे उसको जो सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू इस प्रकार होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं a पावर 0 = 1। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पर, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 पावर 3/4। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके हमको वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी आधार होता है, बेस होता है, उसका अभाज्य हम क्या करते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं। इसका हम इसको जब तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 होगा 2 होगा 4 times। इसके ऊपर एक और तो है। अब हम बात क्या करते हैं, 2 होता है इसमें, 2 है हमारे 4 times और इसके ऊपर पावर है 4। अभी मैंने आपको बताया घात पे घात हमेशा गुणा होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, बताया यहाँ इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3/4 का हो जाएगा 2³ हो जाएगा। इसका आंसर हमें पता है 8 होता है, ये बताया इसका फाइनल आंसर 16 पावर 3/4 का मतलब होता है 8। अब लास्ट में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार के, और भी कई क्वेश्चन मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रकार के हर टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, आपके बुक का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 5/3 2 है और ये होता है 5 का 2 और ये होता है 3/3। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ और यहाँ पे संख्या सेम है, इसको मुझे इन दोनों के बराबर करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी मैंने आपको यहाँ बताया संख्या जो ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, तो उसके घात का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो मैं 5 को ऊपर और 3 को नीचे लिखूंगा तो ये हो जाएगा -5x और ये हो जाएगा 5/3 पावर 2x एंड ये हो जाएगा 5/3 पावर 3। अब यहाँ देख सकते हैं आधार समान है, यहाँ पे आधार समान है, तीनों नंबर में समान है, यहाँ पे भी आधार समान है, तो हम क्या करेंगे इनकी घातें जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 5/3 -x + 2x = 5/3³। ये हो जाएगा 5/3 x = x हो जाएगा ये हो जाएगा 5/3। अब एक बात आपको और बता देता हूँ, बराबर के दोनों और जब भी आधार समान होता है तो उनकी घातों की तुलना की जाती है। तो इधर भी अगर अब यहाँ x का मान मुझे निकालना दिया, हम लिख देंगे दोनों और आधार समान है तो घातों की तुलना करने पर हम यहाँ तुलना करेंगे, जब घात का कंपेरिजन करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3।